Hello dear friends, I am Adil Rashid and you are watching Phatafat Classes. Dear friends, as you know, we are discussing medieval history of Kashmir and this will be our last lecture on medieval history of Kashmir. Today's topic is Muslim rule in Kashmir. That's how Muslim rule started in Kashmir. ठीक है? Dear friends, in previous lecture, मैंने आपको last पे कुछ weak Hindu rulers पढ़ाए थे, ठीक है? वहाँ पे मैंने आपको एक का नाम बोला था जो मैंने वहां पे हाईलाइट किया था, दैट इज सहदेव. ठीक है, वहां पे मैंने आपको बोला था कि सहदेव के टाइम पे 3 एडवेंचर्स विजिटेड हियर वैली इन वैली. ठीक है, टोर वैली. एक का नाम था लंकाचक शाहमीर, दूसरा और तीसरा कौन था, रिंचन. ठीक है, दे विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सहदेव. ठीक है, सहदेव कौन था, वो एक वीक हिंदू रूलर था. ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक, दैट इज मुस्लिम रूल इन कश्मीर. सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, रिंचन का. ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू रिंचन. ठीक है, देखिए रिंचन कौन था. डियर फ्रेंड्स, रिंचन ओरिजिनली एक प्रिंस था. ठीक है, कहां का था वो, लेकिन ही वाज प्रिंस ऑफ लद्दाख. ठीक है, रिंचन वाज प्रिंस ऑफ लद्दाख. ठीक है, ही विजिटेड कश्मीर वैली ड्यूरिंग द रीन ऑफ सहदेव. ठीक है, सहदेव कौन था, एक वीक हिंदू रूलर था. ठीक, और एक बात फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट जो रिंचन था, रिंचन पहले से ही मुस्लिम नहीं था. ठीक है, रिंचन पहले से ही मुस्लिम नहीं था. ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू इस्लाम. ठीक है, उसने अपना जो मजहब है वो उसने चेंज किया. ठीक है, और फिर उसने इस्लाम कबूल किया. पहले जो उसका नाम था, दैट वॉज रिंचन, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया उसके बाद ही रिनेमर हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन. ठीक है, He renamed himself as Sultan Sadruddin. ठीक है, and one more thing, that he built the first mosque in Kashmir, जिसका नाम है बड़ मस्जिद. ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ मस्जिद, लेकिन यहाँ पे लिखा है बड़ मस्जिद. ठीक है, क्या मैंने बोला, जो रिंचन था प्रिंस ऑफ लद्दाख. ठीक है, he renamed himself as Sultan Sadruddin. ठीक है, पहले उसका नाम क्या था, रिंचन, लेकिन बाद में उसने अपना नाम क्या रखा, सुल्तान सदरुद्दीन. ठीक है, and he built the first mosque in Kashmir, इसका नाम है बड़ मस्जिद. ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है मुस्लिम रूल इन कश्मीर. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो मुस्लिम रूल इन कश्मीर है, ठीक है, वो ऑल्दो द मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्टेड विद रिंचन, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर इज शाहमीर. ठीक है, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर इज शाहमीर. ये यहां मुस्लिम रूल इन कश्मीर आज का हमारा टॉपिक है. ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम शाहमीरी डायनास्टी, यानी कि शाहमीरी डायनास्टी जो है, शाहमीरी डायनास्टी इट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल्ड कश्मीर. ठीक है, शाहमीरी डायनास्टी का जो फाउंडर इसका था शाहमीर. कौन था, शाहमीर. और जो शाहमीर है, ही असेंडेड थ्रोन अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन. ठीक है, शाहमीर तो उसका नाम था, लेकिन बट ही असेंडेड थ्रोन अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, एंड रिंचन ascended throne under the name of Sultan Sadruddin. यहाँ पे याद रखना, Sultan Sadruddin रिंचन का नाम था. ठीक है, एंड सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर का नाम था. ठीक है, जो शाहमीर उसने स्टार्ट किया कश्मीरी इरा, या जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी सना भी. ठीक है, he started कश्मीर इरा और कश्मीरी सना जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, वो इसने स्टार्ट क्यों किया. ठीक है, he started this for the commemoration of conversion of रिंचन to Islam. ठीक है, he started this for the commemoration of conversion of रिंचन टू इस्लाम. ठीक है, एंड ही स्टार्टेड दिस डेटिंग मेथड. कश्मीरी इरा या कश्मीरी सना जो है, ये एक डेटिंग का मेथड है. ठीक है, डेटिंग का मेथड है. ही स्टार्टेड दिस इन 1320 AD. ठीक है, ही स्टार्टेड दिस इन 1320 AD. किस लिए स्टार्ट किया, फॉर द कमोमरेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम. याद रखो. ठीक है, और जो शाहमीर का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था, वो था लंकाचक. कौन था, लंकाचक. लंकाचक आल्सो विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सहदेव. ये थे तीन, रिंचन, शाहमीर एंड लंकाचक. दीज थ्री विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ सहदेव. ठीक है, और इनके जो शाहमीरी डायनास्टी के जो फेमस रूलर्स थे, वो था सुल्तान शिबाबुद्दीन एंड सुल्तान जैनुल आबदीन. ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन एंड सुल्तान शिबाबुद्दीन, यानी कि सुल्तान शिबाबुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन एंड सुल्तान जैनुल आबदीन, ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे,
Shahmiri dynasty. Iska inka founder kaun tha lekin Shahmir. Shahmir was also known as Sultan Shamsuddin. Theek hai, and he started Kashmiri Sana or Kashmiri era with a dating method. वो इसने स्टार्ट किस लिए किया? फॉर द कमेमोरेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिंचिन टू इस्लाम. जब रिंचिन ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, इसके बाद उसने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन. ठीक है, एंड ही बिल्ट हिज फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर. इसका नाम उसने रखा बुड़मशीर. ठीक है, ओरिजिनली जो रिंचिन था, रिंचिन एक क्या था? प्रिंस था. कहां का था वो? लद्दाख का प्रिंस था. ठीक है, और शाहमीरी डायनेस्टी के जो दो फेमस रूलर्स थे वो सुल्तान शिबाबुद्दीन था और सुल्तान जैनुल आबदीन. ठीक है फ्रेंड्स, this was all about this Shahmiri dynasty. Lekin ye matlab ye mana introduction tha, lekin hum ab thoda jayenge Sultan Shibabuddin aur Sultan Zainul Abidin ke bare mein. Our friends, first of all we will discuss the Sultan Shibabuddin and Sultan Zainul Abidin. Theek hai, Sultan Shibabuddin jo hai, he was popularly known as Lalit Aditya of medieval Kashmir. He was known as Lalit Aditya of मणिवल कश्मीर. किसको बोलते थे? सुल्तान शिबाबुद्दीन को. क्या बोलते थे? ललित आदित्य ऑफ मणिवल कश्मीर. ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है. ठीक है फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, दैट कोटा भट्ट एंड उदयाश्री. ठीक है, कोटा भट्ट एंड उदयाश्री ये दो मिनिस्टर्स थे इसके. क्या थे ये? इसके दो मिनिस्टर्स थे. लेकिन ये कोटा भट्ट और उदयाश्री जो थे, दे वर हिंदू मिनिस्टर्स. ठीक है, ये थे हिंदू. ठीक है, दे बिलोंग टू हिंदू रिलीजन. ठीक है, क्या मैंने बोला? कोटा भट्ट एंड उदयाश्री वर हिज टू इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स. ये इंटरेस्टिंग बात क्यों है? ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि सुल्तान शिबाबुद्दीन खुद क्या था? ये एक मुस्लिम रूलर था, लेकिन इसके जो ये दो मिनिस्टर्स थे, दे बिलोंग टू हिंदू रिलीजन. ठीक है, दे वर हिंदू मिनिस्टर्स. ठीक है, कोटा भट्ट एंड उदयाश्री. ठीक है, and one more important point, that Sultan Shibabuddin jo hai, he founded a new town jiska naam usne rakha Shibabuddinpura. Kya usne naam uska rakha? Shibabuddinpura. Ye jo Shibabuddinpura hai, it's presently known as Shadipura. Kya usko hum bolte hain? Presently it is known as Shadipura. Class 4th ka exam hai. Theek hai, yahan pe basic hi aayega. Theek hai, हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है, सुल्तान शिबाबुद्दीन वाज आल्सो नोन एज ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर. ठीक है, एंड जो कोटा भट्ट एंड उदयाश्री था, ठीक है, दे वर टू इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे. किसके मिनिस्टर्स थे? सुल्तान शिबाबुद्दीन के. एंड जो सुल्तान शिबाबुद्दीन है, he founded a town जिसका नाम उसने रखा शिबाबुद्दीनपुरा, which presently known as शादीपुरा. ठीक है, उसके बाद सुल्तान जैनुल आबदीन. ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन का जो असली नाम था, इसका जो रियल नेम था, दैट वाज शाही खान, बट ही असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन. रियल नेम उसका क्या था? नाम क्या था? शाही खान. ठीक है, जो सुल्तान जैनुल आबदीन है, ही रूलर हाफ ए सेंचुरी. ठीक है, ही रूलर हाफ सेंचुरी फॉर हाफ सेंचुरी. ठीक है, ही रूलर फॉर 50 years. ही रूलर फॉर 50 years इन आवर वैली. ठीक है, ही रूलर फ्रॉम 1420 टू 1470. ठीक है, ही रूलर फॉर 50 years फ्रॉम 1420 AD टू 1470 AD. ठीक है, ये मैं आपको सुल्तान जैनुल आबदीन के बारे में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन जो है, जिस तरीके से सुल्तान शिबाबुद्दीन वाज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर, इसी तरीके से जो सुल्तान जैनुल आबदीन है, ही वाज पॉपुलरली नोन एज बुडशाह. ठीक है, बुडशाह, बुडशाह मीन्स ग्रेट किंग. ठीक है, बुडशाह मीन्स ग्रेट किंग, ग्रेट किंग. ठीक है, ही वाज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर. अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वो भी सुल्तान जैनुल आबदीन को ही बोलते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा मतलब जानेंगे कि जो सुल्तान जैनुल आबदीन है, सुल्तान जैनुल आबदीन जो है, इसने कौन कौन से मतलब काम यहाँ पे हमारी वैली में किए. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज जजिया. जजिया मानो ये टैक्स था. ठीक है, ये टैक्स लगाया जा रहा था. ठीक है, बाय गवर्नमेंट. ठीक, जजिया, ही अबॉलिशड जजिया. किसने अबॉलिश किया जजिया? जजिया वाज अबॉलिशड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, और वी कैन से दैट जजिया वाज अबॉलिशड बाय बुडशाह. ठीक है, जजिया. उसके बाद ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन,
राजतरंगिणी का जो सेकंड पार्ट था, राजतरंगिणी का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी के रीन के दौरान लिखी गई। किसने लिखी वो? जोना राजा, उसका नाम था क्या? उसका नाम था जोना राजा। जोना राजा रोट सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रीन। जोना राजा रोट सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी ड्यूरिंग हिज रीन। एंड जो बुर्शा था, बुर्शा ही बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज, ही बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज, ठीक है, इन श्रीनगर। इसका नाम है जैन कदर। क्या उसका नाम है? जैन कदर, ठीक है। फर्स्ट वुडन ब्रिज इन कश्मीर वॉज मेड बाय जैनुल आबदीन, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा गया? जैन कदर, ठीक है। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जिस तरीके से इसने फर्स्ट वुडन ब्रिज यहां पे बनाया, इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया, ठीक है, इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया। कहां पे बनाया है? वलर लेक में इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया है, ठीक है। उसका नाम क्या है? जैन लंक उसका नाम है, ठीक है, जैन लैंक, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा अभी जैन लैंक उसका नाम है, जैन लैंक यहां पे मैं लिखूंगा जैन लैंक, ठीक है, जैन लैंक। ये क्या है? ये है आर्टिफिशियल आइलैंड। क्या है ये? आर्टिफिशियल आइलैंड। कहां पे है ये? है वलर लेक में, ठीक है, जैन लैंक, जैन कदल, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक। और जो पश्मीना शाल जो है ना, पश्मीना शाल, पश्मीना शाल का बनाना, ठीक है, ये भी इसी ने यहां पे लोगों को सिखाया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठाओ, हो गया, और मत कुछ रह गया, मैं आप पे पहली नजर देता हूं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट ही आल्सो फाउंडेड टाउन जैनपोरा, जैनकोट एंड जैनगिर, ये आप लिखो या आप नोट कीजिए। ही आल्सो फाउंडेड टाउन जैनपोर, जैनकोट एंड जैनगिर। ठीक है, जो हम बनाते ना वो पेपर माशी की जो, मतलब वो हम बनाते ना वो वुडन कार्विंग वगैरह जो है, वुडन कार्विंग वगैरह जो है, आर्किटेक्चर, वुडन आर्किटेक्चर जैसे एंड वुडन कार्विंग जो है वो भी इसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत, ये भी आप नोट कीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वुडन आर्किटेक्चर एंड वुडन कार्विंग इन कश्मीर, ठीक है। एंड लास्ट पे ये पॉइंट आप नोट कीजिए दैट सुल्तान जैनुल आबदीन डेथ साउंडेड द डेथ नेल ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी, यानी कि सुल्तान जैनुल आबदीन के बाद जो भी रूलर्स आए वो मतलब बहुत ही वीक थे, ठीक है, और इनकी जो डायनेस्टी है वो फिर आगे रूल नहीं कर पाई, ठीक है, यानी कि इनका जो रूल है वो डिक्लाइन हुआ। नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव ऑन टू अनदर, वहां पे अब यहां पे हम और कुछ जो मतलब सिकंदर था, कुतुबुद्दीन था, ठीक है, एक दो मतलब रह गए इसमें, हम वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें के साथ, फिर हम ये क्लोज करेंगे। नाउ फ्रेंड्स दीज आर टू मोर रूलर्स ऑफ शाहमीर डायनास्टी, दैट इज कुतुबुद्दीन एंड सिकंदर, ठीक है। कुतुबुद्दीन इसका जो रियल नेम था वो हिंदल था, क्या था? हिंदल, हिंदल इसका रियल नेम था, किसका? कुतुबुद्दीन का। सिकंदर का, सिकंदर जो है, सिकंदर वाज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक इसका रियल नेम हिंदल है, ठीक है, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे नोट किया, ठीक है। और सिकंदर जो है, सिकंदर वाज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। एंड वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट जो खानका मौला है, खानका मौला वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिकंदर, ठीक है, खानका मौला वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिकंदर, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या देखा, सिकंदर, कुतुबुद्दीन, ठीक है, ये भी किसके मतलब ये भी किस डायनास्टी के रूलर्स थे? ये थे शाहमीरी डायनास्टी के रूलर्स, ठीक है। नाउ इसके बाद कौन सी डायनास्टी आई? चक डायनास्टी, ठीक है। चक डायनास्टी जो है, चक डायनास्टी का जो फाउंडर था वो था गाजी चक। कौन था? गाजी चक। चक डायनास्टी का फाउंडर था गाजी चक, ठीक है। एंड दे रूलर कश्मीर फ्रॉम 1561 टू 1587, और यहाँ पे फिर इनका रूल
एंड हुआ कहां पे 1587 में, जब मुगल्स ने इनको अटैक किया था, ठीक है, 1587 एडी में, ठीक। जो चक डायनास्टी जो है, चक ये मतलब चक डायनास्टी जो है, इनको हम चक्स बोलते थे, क्या बोलते थे, चक्स। दीज चक्स वायर रेजिडेंट्स ऑफ, दीज वायर ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ हुंजा, दैट इज गिलगित एरिया किए थे, ठीक है, दे वर रेजिडेंट्स ऑफ हुंजा गिलगित एरिया। और इनका, इनमें से जो एक फेमस रूलर था, दैट वॉज यूसुफ शाह चट, ठीक है। यूसुफ शाह चट जो है, ही मैरिड हबा खातून। हबा खातून कौन थी? हबा खातून एक पोएटस थी, ठीक है, ये एक पोएटस थी, सेलिब्रेटेड पोएटस, ठीक है, एक मशहूर पोएटस थी, ठीक है। क्या मैंने बोला, चक डायनास्टी का फाउंडर था गाजी चक, और उन्होंने रूल किया 1561 टू 1587, ठीक है। 1587 में फिर मुगल्स ने इनको अटैक किया था, ठीक है, एंड दे कैप्चर दिस वैली। और ये ओरिजिनली रेजिडेंट्स थे कहाँ के, हुंजा के, हुंजा गिलगित एरिया में आता है, ठीक है, गिलगित एरिया के, ठीक। और इनका जो फेमस एक रूलर था, दैट वाज यूसुफ चक, जिसने शादी की किसके साथ, हबा खातून के साथ, हबा खातून एक पोएटिस थी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे, उस दिन हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू उठाएंगे, ठीक है, एक ही टॉपिक में वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम आगे जाके हम फिर स्टार्ट करेंगे मुगल रूल इन कश्मीर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए गुड बाय।